हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोशनी। तो चलो, आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में है। और वो प्रोडक्ट रिव्यू कौन सा है? यस, वो है ऑर्गेनाइज़र के बारे में। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं और हमारे पास प्लेस नहीं होती, तो ऐसे में क्या है, ये प्रोडक्ट जो है काम में आता है। सो गाइस, ड्रॉवर तो हम बहुत सारे देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज़र हम बहुत सारे देख लेते हैं, मगर हमारे माइंड में एक डाउट ज़रूर होता है कि हम कौन सा वाला परचेज करें। तो गाइस, इस प्रोडक्ट का नाम है हम्बल कार्ड प्लास्टिक फ्री। और ये जो है, ये ड्रॉवर के रूप में और ऑर्गेनाइज़र के रूप में आपको तो पता है उस तरह से आता है। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस प्रोडक्ट की ओर बढ़ती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा है। मैंने फ्लिपकार्ट से ये बॉक्स जो है, जो मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया वो मैंने ऑर्डर किया है, तो इस तरह से कुछ बड़े बॉक्स में मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। साथ ही साथ इस पे नाम दिया गया है हम्बल कार्ड प्लास्टिक फ्री स्टैंडिंग चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, यानी कि यहाँ पे स्लीव्स जैसे हम बोलते हैं ड्रॉवर, तो ड्रॉवर टाइप ये होगा। तो चलो इसको मैं ओपन कर देती हूँ। गाइस, मुझे इस तरह से जो 5 ड्रॉवर है मल्टी कलर में मिले हैं, इसके कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसको मैं ओपन करके दिखा दूंगी। पहले इस बॉक्स में हमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वो पहले हम देख लेते हैं। ओके, सो पहले तो ये चीज़ है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। 5 ड्रॉवर्स है इसलिए यहाँ पे 6 जो है उसको उसके साथ अटैच करने के लिए ये 6 जो है हमें दिया गया है, जो ये ड्रॉवर के ऊपर आएगा, जिसको पैक कर पाएगी अच्छे से, उसको यू नो अच्छे तरह से वो बंद कर पाएगा। इस तरह से बोल सकते हैं कि एक कवर टाइप होता है। तो ये जो 6 है वो दिए गए हैं, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और क्या आया है वो देखते हैं। इस तरह से जो है 4 यू नो स्टैंड करने के लिए 4 एक तरह से पिलर बोल सकते हैं हम लोग, तो ये 4 तरह से स्मॉल स्मॉल से दिए गए हैं हमें पिलर्स, जिसको मतलब जिसके सहारे थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमें 6 यानी कि 6 दिए गए हैं बंडल्स 4-4 के, और इसके साथ 4 हमें स्टैंड कवर दिए गए हैं, जहाँ पे आप देख रहे होगे ना कि अगर हम फ्रिज बाय करते हैं या कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके नीचे फ्लोर के नीचे यू नो अच्छे से वो यू नो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, या फिर स्क्रैचेस ना हो, या फिर उस प्रोडक्ट को कोई है ना नुकसान ना हो, इसीलिए हम क्या वहाँ पे क्या दिया जाता है, एक तरह से कवर अप और स्टैंड के लिए एक कवच टाइप दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ ये 4 जो है वो दिए गए हैं स्मॉल, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे मिली है। तो चलो हम इसको पूरी तरह से अटैच करके देख लेते हैं, जोड़ कर देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखता है। तो इसकी हाइट, वेट, इसका वाइडनेस कितना है, इसकी इंचेस या जो भी सेंटीमीटर है, हम पूरी तरह से देख लेते हैं। तो आपका जो भी डाउट है ये मैं पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। गाइस, मैंने एक सिंगल वाला ले लिया है, आपको मैं एक अटैच करके दिखा देती हूँ और फिर लास्ट में मैं आपको ओवरऑल दिखा दूंगी कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइज़र है या ड्रॉवर आप कह सकते हो वो किस तरह से लग रहा है। तो चलो पहले तो ये यू नो इस तरह से एक प्लास्टिक का जो है आएगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमें यू नो दिया गया है उसको हम नीचे लगा देते हैं। ऐसे 4 हैं तो चारों तरफ हम कर देते हैं, इस तरह से मैंने अटैच कर दिया ये। और ये कहाँ पे आएगा, सबसे एंड में आएगा, जहाँ पे हम यू नो रखने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये कवच दिया गया है, जो भी होगा तो इसको नुकसान होगा। यहाँ पे जो इसके अंदर का जो एक छोटा सा स्टैंड है उसको कोई भी नुकसान नहीं। चलो हम एक लगा के दिखा देते हैं आपको। अभी इसके साथ जो है हमें ये 4 जो है पिलर दिए गए हैं स्टैंड के लिए, इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि ये जो प्रोडक्ट है कोई यू नो 10 साल का बच्चा भी जो होगा वो भी अच्छे से इसको बना सकेगा। तो चलो ये जो 4 स्टैंड है यानी कि पिलर है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देते हैं। तरह से आपको जो है यू नो अटैच कर देना है ये जो 4 पिलर है, 4 स्टैंड है अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से ये वाला जो प्लास्टिक मॉडल है
उसी तरह से सेम मॉडल हमें यहाँ पे अटैच करना है, बस वैसे ही करते करते जाना है। तो मैं एक आपको अटैच करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये भी कुछ सेम उसी तरह से है। यहाँ पे ऐसे जो है हमें 6 दिए गए हैं टोटल, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये पिलर के ऊपर जो है इसको अटैच करके लगाना है, अच्छे से प्रेस करके शेप के थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हो। सो गाइस, देखा ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए, एक ड्रॉवर के लिए मतलब ये तैयार हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है ये जो बॉक्स हमें मिला गया है, जैसे कि 5 ड्रॉवर हैं, इस उसमें से एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बस इसको इसके अंदर हमें डालना है, देख रहे हो। तो कितना आसान है इसे बनाना, और इसके कलर भी जो है 5 दिए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मल्टी कलर में आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपको कुछ आएगा, इजी है बनाना, फिर वापस से इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है। साथ ही साथ आप इसको कोई भी जगह पर अच्छे से यू नो फिट कर पाओगे। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको अगर 5 नहीं चाहिए तो आप 4 के स्टैंड में लगा सकते हो, 3 में लगा सकते हो, 2 में लगा सकते हो, या फिर इस तरह से आपको अगर एक सिंगल है तो सिंगल भी लगा सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आप कितना जो है ड्रावर आप इस्तेमाल करना चाहोगे। तो गाइज, इसका जो टोटल 5 ड्रावर है, ये 5 ड्रावर में आपको बना के दिखा देती हूँ। इसको पूरी तरह से अटैच कर दिया है, आप देख ही पा रहे हो कि मैं बैठी हुई हूँ, और साथ ही साथ ये जो है मेरे हाइट वाइज कितनी लग रही है, और ये जो स्टैंड है 4, ये एक्स्ट्रा दिए गया है। अगर कोई भी बाई चांस डैमेज होता है तो आप इसे उसके साथ चेंज कर सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा दिया गया है। साथ ही साथ इसके ऊपर की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ही, जैसे मैंने पहले बताया था वो अलग था, जो स्टार्टिंग का जो हम ड्रॉवर वाला देखते हैं वो अलग है, और ये जो एंड जब होता है ऊपर का जो पार्ट है वो प्लेन है, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी यू नो रख सकते हो। इसकी मैं बात करूँ, आप देखो इसको अच्छे से मैंने अटैच कर दिया है, और ये अटैच करना बहुत ही आसान है। इसकी मैं बात करूँ तो ये जो है मैट कलर में आता है, ये जो ड्रॉवर है ना आप देखोगे मैट कलर में है। इसकी ये खासियत यानी कि अच्छी बात ये है कि ये मैट कलर में है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो। और वापस से ये 5 कलर है, मल्टी कलर 5 अलग अलग है। पहला जो है शायद से यहाँ पर कुछ अलग कलर दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, बट मैं बता दूँगी कि ये कौन कौन से कलर है। ये है ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा है। सेकेंड जो है वो यू नो लाइट ग्रीन है। थर्ड जो है वो पिंकिश है। फोर्थ जो है वो येलो है, और लास्ट वाला जो है वो रेड है। तो इसमें जो कलर दिए गए हैं ना, कलर भी बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं इस ड्रॉवर के लिए, जो कि हमें स्पेशली गर्ल्स को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र एक स्टोरेज है। साथ ही साथ ये मैं बोलूँगी कि इसकी अगर आप बात कर रहे हो कि इसमें कितना सामान रह सकता है, या फिर ये यू नो इसके इंचेस और सेंटीमीटर कितने हैं, तो अगर आप इसको वाइड रेंज में अगर देख रहे हो तो ये कुछ 14.17 इंचेस का है, ये जो वाइड रेंज है, और ये जो हाइट है इसकी इतनी वो 98 सेंटीमीटर है। और इसमें कितना सामान आ सकता है, मेरे ख्याल से बहुत सारा सामान जो है इसमें आ सकता है। जैसे कि आप इसकी गहराई को अच्छी तरह से देख ही रहे हो, तो ये जो कुछ है इसकी गहराई 15.37 जो इंचेस है, उतना कुछ है। तो सोचिए आपकी कितना सारा जो स्टोरेज है इसमें हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप इस बात में मतलब डाउट है कि इसकी क्वालिटी कैसी है वो, और ये जो प्लास्टिक है वो अच्छा है नहीं अच्छा है, तो मैं ये बात करूँगी इसकी क्वालिटी अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं या इतनी भी बुरी हम कह नहीं सकते, बट ये स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छी है। जो क्वालिटी है मुझे तो नॉर्मल अच्छी ही लगी, इतनी कुछ बुरी नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह से यू नो अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे ड्रॉवर वाइज। साथ ही साथ मैं बात करूँ कि
ये जो है ओवरऑल ये फाइव सेक्शन में यानी कि फाइव ड्रॉवर में आता है। इसमें अलग अलग भी आपको फ्लिपकार्ट में मतलब दिख जाएंगे, जैसे कि थ्री ड्रॉवर वाला भी है, फोर ड्रॉवर वाला भी है, मगर ये जो फाइव ड्रॉवर वाला है इसकी हाइट और उसकी जो वाइडनेस है इसकी बात करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ इसका जो वेट है, अगर आप देख रहे हो कि ये बहुत ही लंबा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप सोचोगे कि ये वेट में बहुत ही होगा, तो नहीं। ओवरऑल अगर मैंने जैसे हमें पैक करके दिखाया गया था एकदम स्मॉल बॉक्स में, तो ओवरऑल इसका सिर्फ जो वेट है वो 1 kg है। तो ये हल्का भी है, आप कहीं से भी मतलब शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह में, तो ये बात इसकी अच्छी। इसकी ओवरऑल हाइट की मैं बात करूँ और आपको डाउट है कि इसकी ओवरऑल हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो है 3.2 inches की है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी हाइट है। बहुत ही अच्छे से आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको क्लोथ को स्टोर करना है या आपको कोई वेजिटेबल स्टोर करना है या एनीथिंग जैसे आप करना चाहते हो। तो चलो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे हम आते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस के मामले में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें सस्ते में भी चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए। तो ऐसे अगर मैंने जैसे कि पहले कहा आपको ये 3 drawer में भी मिलेगा, 4 drawer में भी मिलेगा और 5 drawer में भी मिलेगा, तो सबकी जो प्राइस है वो अलग अलग है। 2 drawer से लेके 5 drawer तक के जो भी प्राइजेस है सबके अलग अलग हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 1051 rupees, यानी कि 1051 rupees। तो ये बहुत ही आई थिंक सो वर्थेड है इस चीज़ के लिए कि इसके लिए 1000 rupees डालना आई थिंक सो मेरे लिए ओके की बात है, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही यूज़फुल है। तो हम जब चाहे इसको बना सकते हैं, जब चाहे हम इसको पैक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये जो प्रोडक्ट है आपको अच्छे से डिटेल वाइज मैंने बताई होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये परचेस करना है नहीं करना है। इसके रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिसका मैं आंसर आपको दे पाऊँगी। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो गाइज अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, यूज़फुल लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अगले वीडियो में ऐसे ही बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के साथ मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन बाय।